हेलो, मैं विनोद चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सबको पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके से संबंधित चंबल की सहायक नदियां व बनास नदी। बनास नदी का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले तो चंबल की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं एक नज़र में, उसके बाद बनास नदी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चंबल की सहायक नदियां, जैसे चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मेज नदी है, बनास है, सीप है, चाकण है, ब्रह्माणी है, काली सिंध है, आलनिया है, पार्वती सेकंड, ओराई और कुन्नू, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां का मतलब क्या होता है? जो वे नदियां जो चंबल में सीधे तौर से मिलती हैं वे चंबल की सहायक नदियां कहलाती हैं। अब जैसे मेज नदी है, चंबल की सहायक नदी है, इसका उद्गम बिजोलिया में भीलवाड़ा बिजोलिया से होता है और कोटा के पास कोटा ज़िले में चंबल नदी में मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है, कोटा ज़िले में चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है बनास, ये चंबल की सबसे प्रमुख नदी है। आज इसको ही हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बनास कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर ज़िले के खंडार तहसील के पदरा गांव के पास रामेश्वरम नामक स्थान में चंबल में मिल जाती है। अतः ये भी चंबल की सहायक नदी हुई। बनास नदी पर प्रमुख बांध बीसलपुर बांध है। ऐसे तो 5 बांध बने हुए हैं, उसका अध्ययन हम अभी पढ़ेंगे। तीसरी नदी आती है सीप। सीप नदी धौलपुर से निकलती है और रामेश्वरम में ही बनास नदी के साथ चंबल में मिल जाती है, अर्थात त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल नदी पर। चाकण अगली नदी आती है। चाकण बूंदी जिले में छोटे छोटे नालों से मिलकर बनी है। चाकण नदी का उद्गम कैसे हुआ? बूंदी जिले में छोटे छोटे नालों से मिलकर इस नदी का उद्गम हुआ है। और करणपुरा सवाई माधोपुर में, ऐसे का मतलब सवाई माधोपुर में, ये चंबल नदी में मिल जाती है। और इसमें चाकण नदी पर चाकण परियोजना या बांध स्थित है, वह बूंदी जिले में स्थित है। अगला आता ब्रह्माणी। ब्रह्माणी अगली नदी है। ब्रह्माणी नदी हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है और भेस रोड़गढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है। भेस रोड़गढ़ को मैंने पूर्व लेसन बताया था, भेस रोड़गढ़ को राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। और काली सिंध देवास मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। तो ऐसे याद नहीं हो तो मैंने सूत्र बनाया, क्या था सूत्र उसका? काली सिंध नदी देवास जिले के पास बागली गांव से निकलती है। और
राज्य में प्रवेश कहाँ कर रही है? देखो बिंदा गांव झालावाड़, उस प्रवेश करने के बाद झालावाड़ और कोटा बारा में बहती है, उसके बाद नौनेरा नामक स्थान पर, सवाई माधोपुर की सीमा से पहले नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध पर, काली सिंध नदी पर काली सिंध परियोजना बनाई गई है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। फिर आती है आलनिया, आलनिया नदी चित्तौड़ से निकलती है और कोटा के पास, कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। आलनिया बांध पूछे तो कोटा जिले में स्थित है। इसके बाद पार्वती द्वितीय, पार्वती फर्स्ट तो धौलपुर में है, पार्वती द्वितीय बारा जिले में स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पर्वत की श्रेणियां सेहोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेहोर की पहाड़ियों से निकलती है और कड़ियाहट बारा में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। बारा में बहने के बाद पालिया गांव सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद हाँ, पार्वती की सहायक नदी पूछे तो बेथली नदी है, बेथली नदी पर बेथली बांध छपड़ा के पास बनाया गया है। अगली है नदी औराई, चित्तौड़ जिले से निकलती है और कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। औराई बांध, औराई नदी पर औराई बांध, औराई बांध चित्तौड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़। कुन्नू नदी मध्य प्रदेश में गुना के पास से निकलती है और कहाँ पर विलय हो जाता है इसका? करौली जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। अब क्या विशेषता है? यह बारह जिले के गोवर्धनपुरा और मुसेरी गांव, मुसेरी गांव और गोवर्धनपुरा जिले में, गोवर्धनपुरा गांव में दो बार प्रवेश करती है। इसके बाद यह एमपी में पुनः चल जाती है। एक बार पुलिस एग्जाम, पुलिस में, राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था कि कुन्नू नदी कहाँ पर है, तो तुम्हें बताना है बारा शाहबाद में है। वर्षा ऋतु में इसमें बाढ़ अधिक आती है। ये तो थी राजस्थान चंबल की सहायक नदियाँ। अब चंबल की सहायक नदियों में विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी नदी चंबल की सहायक बनास नदी, तो टोपी डाल लो, बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी का देखो प्राचीन नाम क्या था, पहले समझ फिर मैं बता दूंगा। दिल्ली प्राचीन नाम वशिष्ठी, उपनाम क्या है इसके? बनास नदी के उपनाम क्या है? उपनाम वर्णासा, वर्णासा या वन की आशा।
वर्णाशा या वन की आशा। उद्गम क्या है इसका? उद्गम सूत्र है, वैसे तो वैसे बोलोगे नहीं तुम। बख बक्षे खमनोर बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की, ये याद रखना है, बख खमनोर की पहाड़ियां। अब खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद। राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। विले पूछे तो इसका भी सूत्र बनाया मैंने, बरा, कहां पर? बनास नदी राशि क्या बन जा बन रहा है? रामेश्वर राशि, खैसे जैसे खमनोर राशि रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। मैं चंबल नदी में मिल जाती है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये तो याद रहता ही है, चंबल में मिल जाती है। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? प्रमुख बांध देखो, नंद संबंध कहां पर है? ये राज संबंध में है। दूसरा बांध बागेरी का नाका, ये भी राज संबंध में, साउथ शोर्ट में कर लो। तीसरा मात्री कुंडिया, मात्री कुंडिया चित्तौड़। चित्तौड़गढ़। चौथा बांध आता है बीसलपुर, बीसलपुर कहां पर? राजमहल राजमहल टॉप। पांचवा बांध कौन सा आता है? ईशरदा, सवाई माधोपुर। ये तो बनास नदी पर स्थित बांध है। नंद संबंध बांध राजसमंद जिले में है, इसे राजसमंद जिले का महासमुद्र और राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। बागेरी का नाका, यह भी बनास नदी पर दूसरा बांध है। तीसरा बांध मातृकुंडिया चित्तौड़, मातृकुंडिया चित्तौड़ में है, इसे ही राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और 1921 में आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने यहाँ से एक ही आंदोलन या भौमट आंदोलन प्रारंभ किया था। चौथा बांध बीसलपुर बांध, यह टोंक जिले के देवली गांव देवली तहसील के राजमहल में स्थित है। यहाँ तीन नदियाँ खारी और डाई नदियाँ बनास नदी में मिलती हैं और यहीं पर
बीसलपुर बांध स्थित है। चौथा बांध आता है, हाँ बीसलपुर बांध थोड़ा बता दूं मैं, बीसलपुर बांध की आधारशिला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने रखी थी, जो जिसे ही वर्तमान में बीसलपुर बांध कहते हैं। उन्होंने एक तालाब बनाया था। पांचवा आता है ईसरदा बांध, ये सवाई माधोपुर में है। इससे बीसलपुर बांध प्रमुख बांध देखो, नंद संबंध बांध, ये नंद संबंध झील भी है और बांध भी है, ये बनासंधि पर स्थित है। नंद संबंध बांध को राजसमंद जिले का महासमुद्र या राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा बांध आता है बागेरी का नाका, ये भी बनासंधि पर स्थित है और राजसमंद जिले में है। तीसरा बांध है मातृकुंडिया बांध, मातृकुंडिया बनास नदी पर चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में मातृकुंडिया नामक स्थान पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता था, इसलिए मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। 1921 में आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर एकी आंदोलन या भौमट आंदोलन प्रारंभ किया था। चौथा बांध आता है बीसलपुर बांध, ये टोंक जिले के देवली टोंक जिले के राजमहल कस्बे के पास बीसलपुर नामक गांव में बना हुआ है। यह बांध त्रिवेणी संगम पर बना है। खारी डाई और बनास नदी आकर जब मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं, इसी त्रिवेणी संगम पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। इस बांध की आधारशिला चौहान वंशी शासक बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने रखी थी, जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह इस बांध से जयपुर नसीराबाद और अजमेर को पेयजल सुविधा प्राप्त है। पांचवा बांध बनास नदी पर आता है ईसरदा बांध, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अब पढ़ते हैं, हाँ और चीज देखो, ये तो एक नज़र में हुआ। बनास नदी राज्य में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर आता है, पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो तुम्हें बताना है पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी बनास नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, जिसमें और प्रश्न यूँ पूछ ले इस तरह कि राज्य की सबसे लंबी नदी, तो तुम्हें बताना है चंबल नदी। पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी तो बनास नदी। ये अब बनास नदी को पढ़ते हैं और दूसरे हिसाब से देखो कैसे डायग्राम से पढ़ेंगे, चित्र से, उससे और अच्छे समझ में आ सकता है तुम्हारी। बनास की सहायक नदियां पूछे
हाँ ये चीज़ और लिख लो, बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोठारी है और खारी है, डाई है, मोरेल है, और ये तो बनास और मेनाल है। अब पढ़ते हैं डायग्राम से। बनास नदी चली थी अपनी, देखो ऐसे समझो इसको, तिलक के समान आकृति वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो ये है अपना राजसमंद। राजसमंद से निकलती है बनास नदी का उद्गम क्या है? थोड़ा नीचे बना लें इसको, तिलक की समान आकृति वाला जिला राजसमंद। तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पर है खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती हुई यहाँ पर है चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पर है खमनौर, क्या है? खमनौर। खमनौर से इसका उद्गम होता है। नदी है बनास नदी। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में यह नदी बहती है मैं बता रहा था, तो तुम्हें याद रखना है जिले। आर सी बी देखो, RCBATS शॉर्ट ट्रिक है। राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी बहती है। राजसमंद सी से, सी एच से क्या बनता है? चित्तौड़गढ़। फिर भीलवाड़ा, जैसे अजमेर, इसे अजमेर, इसे टोंक और ऐसे सवाई माधोपुर। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसी तरह मान लो प्रश्न पूछे कि चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है, तो उसका भी सूत्र है चंबल का भी। देखो चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, तो उसका सूत्र है C K B S C B। सी से चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती है। ये भी 6 जिलों में बहती है। तीन नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। तीसरी नदी कौन सी है?
पहली, दूसरी और तीसरी लूनी नदी। लूनी नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। वह 6 जिले कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने सूत्र बनाया, वो भी याद रखना तुम। क्या सूत्र था? अना जोपा जावा, अना जोपा जावा, ऐसे अजमेर, अगर याद नहीं तो लिख लो, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर। ये राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो राज्य के 6 जिलों में बहती है। तो उसके लिए तुम्हें ट्रिक याद रखना, बनास की पूछे तो RCB ATS, क्या याद रखना? RCB ATS। लूनी की पूछे अना जोपा जावा, और चंबल की चंबल के जिले पूछे चंबल राजस्थान के कितने जिलों में बहती, तो 6 जिलों में बहती है। उसके लिए सूत्र क्या है? CK BSCB। सी से बताया था अभी चित्तौड़गढ़, के से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब देखो, मैं बता रहा था बनास नदी, तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ियों से होता है। इसी देखो कितने जिलों में बहती है बनास नदी, राज्य के 6 जिलों में बहती है जो अभी बताया, यहाँ से निकली और दिवे ये भी कहाँ पर है, और इसको बड़ा कर लो, दिवे यहाँ स्थान है, दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके, दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके कौन सी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से? कोठारी, कोठारी, इसको यूं कर दो, यहाँ से कोठारी नदी निकली और राजसमंद और भीलवाड़ा में, कोठारी नदी राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई, भीलवाड़ा में ही मांडलगढ़ के पास, क्या है यहाँ? मांडलगढ़ के पास ये कोठारी। कहाँ से निकलती है कोठारी नदी? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यहाँ पर मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी बांध, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में कोठारी बांध बना हुआ है और भीलवाड़ा जिले की जो सिंचाई है वो कोठारी बांध व पेयजल सुविधा कोठारी बांध से ही प्राप्त होती है। कोठारी बांध पर इम्पोर्टेंट प्लेस, कोठारी बांध पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। कोठारी बांध पर भीलवाड़ा जिले में ग्रीन माउंट पार्क स्थित है, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है बिजरा, राजसमंद, कहाँ पर आ गया? यहाँ पर है टोंक जिले में बीसलपुर बांध, टोंक जिले में बीसलपुर बांध, खाड़ी और डाई, और ये तो राजसमंद से निकली, चित्र थोड़ा छोटा ही हो रहा है,
पिजरा और यहाँ था दिवी। उद्गम ये नदी है खारी और इससे थोड़ा ऊपर अजमेर, किशनगढ़, अजमेर से एक नदी और निकलती है कौन सी नदी निकलती है डाई, कौन सी नदी निकलती है डाई। यहां पर तीनों का संगम है, ये बनास है, बनास नदी, डाई और खारी। यहां पर बांध बना है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बना हुआ है। फिर इसी के थोड़ी दूरी पर, इसी के थोड़ी दूरी पर एक नदी और आती है मोरेल, मोरेल कौन सी नदी मोरेल, वह भी सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जिले में ही बनास नदी में मिल जाती है, बनास की सहायक नदी है ये मोरेल। सवाई माधोपुर जिले में यहां मोरेल बांध, कौन सा बांध है मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल नदी कहां से निकलती है चाकसू, जयपुर की चाकसू, ये दूनी जयपुर से निकलती है। और एक मोरेल की सहायक नदी डूंड नदी, डूंड नदी कहां से निकलती है दौसा से। मोरेल, ये तो मोरेल, हाँ से दूनी जयपुर और दौसा से कौन सी नदी डोंड दौसा, दौसा से डोंड नदी निकलती है। डूंड नदी के कारण ही जयपुर और दौसा को क्या कहते थे, जयपुर और दौसा को ढूंढाड़ क्षेत्र या ढूंढाड़ कहा गया। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कछवा शासक दुलहे राय ने की थी। अब देखो आगे, और एक नदी देखो, एक नदी ये बीसलपुर है, बीसलपुर डायरेक्ट बीसलपुर के पास नहीं मिलती है ये, यहां आगे। और एक नदी ऐसी है जो थोड़ा चित्र में गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा इधर कर देते हैं, बना बीसलपुर या उसको
नाम से ही ये नदी आती है मोड़। इसके बाद इधर से देखो एक नदी गोगुंदा कहां से निकलती है, गोगुंदा, गोगुंदा से उदयपुर में है, गोगुंदा उदयपुर से आयरन नदी आयर, गोगुंदा उदयपुर से आयरन नदी निकलती है और आय यहां पर है उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील उदयपुर में 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। इसी झील के बाद अमर सिंह प्रथम और मान सिंह की मुलाकात 1572 ईस्वी में हुई थी, नहीं 1573 ईस्वी में हुई थी। अब एक नदी देखो आयरन नदी, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है बीडच। आयरन नदी का उदय सागर झील के बाद नाम बीडच हो जाता है। एक नदी और आती है गंभीरी, कौन सी नदी गंभीरी, ये यहां पर चित्तौड़ जिले में बेडच नदी में मिल जाती है। गंभीरी बांध चित्तौड़ जिले में स्थित है। गंभीरी बांध पर गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर यहां पर चित्तौड़ का किला कौन सा स्थित है, चित्तौड़ का किला स्थित है। इसके बाद हमें थोड़ा इसको सुन लो, आयरन नदी का उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और यहां से उदय सागर झील तक इस नदी को आयर के नाम से जाना जाता है और उदय सागर के बाद आयर नदी का को ही बेडच कहा जाता है। जब उदय सागर झील का जल अधिशेष हो जाता है और जो अधिशेष जल है वो बाहर निकलता है, उस अधिशेष जल को ही बेडच के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ जिले में गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर कौन सा बांध है, नहीं कौन सा किला है, सॉरी कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। बेडच नदी पर गोसुंडा बांध चित्तौड़ जिले में स्थित है। बेडच नदी पर गोसुंडा बांध चित्तौड़ जिले में स्थित है। एक नदी है बेबू, मतलब नदी का नाम है मैनार, कहां से निकलती है बेबू, चित्तौड़ से निकलती है, बेबू चित्तौड़ से निकलती है मैनार। बेबू चित्तौड़ से निकलती है, बेडच और मैनार के बीच यहाँ है बेगौर, मांडलगढ़ से पहले बेगौर नामक स्थान पर मैनार और आयरन नदी का संगम है, त्रिवेणी संगम बनाती है।
मैनाल कहां से निकलती है? बेगू। चित्तौड़ से निकल करके आयर नदी या बेडस नदी के साथ बनास नदी में मिल जाती है, भीलवाड़ा के बीगोद कस्बे में। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन से हुए बनास नदी पर? देखो, एक तो हुआ ये बीगोद कस्बे में, और दूसरा त्रिवेणी संगम कहां पर है? बीसलपुर बांध, राजमहल टोंक में, और यहां पर है। अब जयपुर की तरफ से दो नदियां आ रही थी, वो मैं बताऊं। एक तो मोरेल, कौन सी? मोरेल। मोरेल की सहायक नदी मोरेल कहां से निकलती है? दूनी जयपुर, चाकसू के पास है दूनी नामक गांव, यहां से मोरेल नदी निकलती है। और सवाई माधोपुर में कौन सा मोरेल बांध बना हुआ है? मोरेल बांध बना हुआ है और बनास नदी में सवाई माधोपुर में मिल जाती है। एक नदी दौसा से निकल करके, कहां से? दौसा से निकल करके मोरेल नदी में मिल जाती है, उस नदी को कहते हैं डूंड नदी। डूंड नदी, डूंड नदी के नाम से जयपुर और दौसा क्षेत्र को डूंडहाट कहा गया है। जयपुर और दौसा क्षेत्र को डूंडहाट कहा गया है। डूनी चाहो तो इधर भी कर सकते हो, इधर ही आएगा तुम ये डूंड मोरेल, ये गलत हो रहा है। डूनी, इसके बाद एक नदी धौलपुर से निकल करके, ये तुम्हारी चंबल नदी, कहां पर? ये चंबल नदी राज्य के 6 जिलों में बहती हुई, ये चंबल नदी राज्य के 6 जिलों में बहती है, बनास और ये है सी। कहां से निकलती है? धौलपुर से।